सो हेलो गाइज, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ पाम एक्सपो 2022। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को हमारा जो पिंको इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो आप मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हो, इनकी प्रॉपरली वीडियो दिखाने वाला हूँ। इनके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, इनने क्या क्या चीज़ें नई नई लॉन्च करी है, सारी चीज़ आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं पिंटू इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ गया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉल, यहाँ पे आप रश देखिए कितना ज़्यादा है। सो यहाँ पे हमारे साथ है भैया। हेलो भैया, कैसे हो आप? तो भैया, आज हमें आप अपने प्रोडक्ट्स दिखा रहे हो, है ना? हम स्पीकर से स्टार्ट करते हैं, आपके एम्पलीफायर्स वगैरह जो लाइनर है या बेस है वो सब देखेंगे। तो यहाँ पे स्पीकर्स भैया आपके पास क्या क्या रेंज में है? हमारे वॉरियर सीरीज के स्पीकर हैं। ओके, तो ये हमारा 18 इंच में 1500 वॉट का स्पीकर है। ये 18 इंच में 1500 वॉट का है, ठीक है भैया। तो इसमें 5 इंच का वॉइस कॉइल है। 5 इंच का कॉइल मिल जाता है आपको इसमें? अंदर में आता है ये, फेराइट मैग्नेट के साथ आता है, कार्बन फाइबर पेपर है, कार्बन फोम में आता है। फोन आपकी इसमें कार्बन की मिल जाती है। ये 18 इंची 1500 वॉट का है, सब कार्बन कोन। अच्छा, सारे के सारे जो आपके यहाँ पे वॉरियर सीरीज के अंदर स्पीकर है वो कार्बन कोन के साथ मिलते हैं, ठीक है भैया। 18 इंच में 2000 वॉट, ये 2000 वॉट का आ गया है। इसमें नियोडियम रिंग मैग्नेट लगता है, ये आप देख सकते हो जो यहाँ पे मैग्नेट है, नियो मैग्नेट है, रिंग मैग्नेट है। वॉइस कॉल इसमें आपको 6 इंच की मिल जाती है, ठीक है भैया। ये हमारा मोस्ट रिकमेंडेड स्पीकर है और ये सबसे वांटेड स्पीकर है। ये है 21LF2000ND, 21 इंची का आपको मिल जाता है। हाँ, वोल्टेज कितने भी है इसकी? 2000 वोल्ट का है। 2000 वोल्ट का, ओके। इसमें भी सेम सेम रिंग मैग्नेट मिल जाती है, और रिंग मैग्नेट है नियोडियम में। ओके, ठीक है। ये 1600 वोल्ट का है, सेम 21 इंची में 1600 वॉट का आ गया। 5 इंच वॉइस कॉइल, कॉइल आपको 5 इंची मिलती है, अगेन रिंग मैग्नेट के साथ रहता है। तो ये हमारी वॉरियर सीरीज के स्पीकर्स थे, चार मॉडल थे हमारे, 2 18 के थे, 2 21 के थे। भैया, अगला हम क्या चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट में? अब हम अपने सब ऊपर देखते हैं, आपको मैं सब ऊपर दिखाता हूँ। सो इधर हमारे सब ऊपर आ गए, आप ये देख सकते हो। तो ये हमारे हैं ऊपर, हमारा लाइनर है। तो भैया, जो इसकी स्पेसिफिकेशन है, कॉन्फिग्रेशन क्या है इसकी? इसमें 18 इंच 21 इंच दोनों आता है। अच्छा, 18 इंची में भी आता है सब ऊपर, और 21 इंची में भी आता है। कस्टमर का वांट है कि उसको 18 इंच चाहिए, 21 इंच चाहिए, उस हिसाब से हम डिजाइन करते हैं। अच्छा, अभी जो फिलहाल ये जो डिस्प्ले में है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 21 इंच है, 2000 2000 वोट का एक मीडियम का स्पीकर है। अच्छा, वो स्पीकर है इसके अंदर, ठीक है। तो यानी कि टोटल 4000 वोट का होगा 21 इंची में, है ना? अच्छा भैया, जो आपका ये प्लाई वगैरह रहती है कैबिनेट के अंदर, वो कैसी रहती है? ये बर्च प्लाई है। बर्च प्लाई है। अच्छा, आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है भैया इसकी? अरे हाँ, ये सब हमारे मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, ओके। और भैया, ये नीचे वाला? नीचे वाला डीएसपी, ये हमारा न्यू लॉन्च है। अच्छा, ये तो कितने इंची में? हाँ, ये भी 21 इंच में। वोल्टेज भी सेम है? अच्छा अच्छा भैया, डिफरेंस क्या होगा फिर इसमें? इंटरनल स्ट्रक्चर। अच्छा, स्ट्रक्चर में। और भैया, जो इसमें आप जाली यूज़ करते हो, कितने गेज की होंगी? ये 16 की। आप ये पास से थोड़ा देख सकते हो इसको। ओके भैया, भैया ये देखते हो ऊपर जो लाइनर है हमारा, हाँ जी। अच्छा, लाइव और परफॉर्मेंस के लिए जो यूज़ होता है उसमें किया जाता है। तो भैया, इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा हमारा? 12 इंच 600 वॉट का है ड्यूल में। अच्छा, ड्यूल 12 इंच 600 वॉट का आपको मिल जाता है, और अच्छा जो HF है वो, ओके। तो 6 इंच के भी इसमें 2 स्पीकर है हमारे। अच्छा, 4 6 इंच के स्पीकर है, 2 12 इंच के हैं और 2 HF है, ओके। तो अच्छा है काफ़ी। और तो भी आगे दिखाइए आप और क्या क्या चीज़ें। सो दोस्तों, थोड़ा यहाँ पे रश है, और यहाँ पे ये देख सकते हो इसका साइज़ देखिए, ये क्वार्ट सबवूफर बोलते हैं इसको। सो यहाँ पे आप कलर भी देख सकते हो, ऑरेंज कलर मिलता है 4x4 का, इसमें जो हमें स्ट्रक्चर मिल जाता है। यहाँ पे आप ब्रांडिंग देख सकते हो इधर, पावर नहीं है ना। तो भैया, इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन रहती है हमारी? अच्छा, 21 इंची में भी, 18 इंची में भी, ये वाले 21 इंची में हमारे 2000 वॉट के स्पीकर हमने देखे थे वही। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें जो कैबिनेट है वो किस टाइप से मिलता है, और यहाँ पे हैंडल वगैरह देख सकते हो। तो भैया, इसको हम इस तरह मतलब खड़ा भी कर सकते हैं, इस तरह भी बिठा सकते हैं ना, जैसे भी यूज़ करना चाहें। मोस्टली ऐसे यूज़ होता है, ये आप देख सकते हो। इधर भी आपको ये पिंटू की जो ब्रांडिंग है वो मिल जाती है। तो भैया, आपको जो ब्रांड है महाराष्ट्र में ज़्यादा चलता है इधर की साइड, है ना? ओके, अब भैया आपको ऑल ओवर इंडिया से देखेंगे लोग, जो देखेंगे, है ना? तो भैया, ये हमारा लाइनर आ गया। हाँ जी, अच्छा, 2 मिट 4 हाइस और अच्छा 2 मिट 6 हाइस और 4 मिट 6 आइस, अच्छा दोनों के आ रहते हैं। तो ये वाला कौन सा भैया? 2 मिनट 6 आइस। तो यहाँ पे कुछ ऐसे इन सबकी स्पेसिफिकेशन है, वो भी आप देख सकते हो इधर। ओके भैया, तो यहाँ पे हमने आपका जो सबवूफर होगा, लाइनर होगा, वो देख लिया। भैया, थोड़ा एम्पलीफायर्स भी दिखा दीजिए आप हमें अपने।
जो एम्पलीफायर से एच एफ्स हैं, तो यहाँ से देख लेते हैं एच एफ हमारे आई गई है। सो इधर हमारे एच एफ ड्राइवर साहब हैं। तो भैया आपके इसमें कितने मॉडल्स होंगे? हाँ, ये भी पांच मॉडल है। पांच मॉडल है, ये तो पब्लिक एड्रेस में चलता है, ये ट्रम्पेट को चलता है ये। ओके, 750 का हो गया ये। अबे ये वाला ये 160। अच्छा, ये 60 वॉट्स का है, ये 50 वॉट्स का है। 50 वॉट्स का हो गया, 60 वॉट्स का हो गया, ये 100 वॉट्स, 100 वॉट्स हो गया ये वाला भैया। ये भी 60 वॉट्स का, 60 वॉट्स हो गया। और ये हमारा ये 110 वॉट्स, 110 वॉट्स का हो गया। और यहाँ पे आपके केबल्स वगैरह भी आपकी हैं? हाँ, ये अपना ही प्रोडक्शन, आप देख सकते हैं। ओके भैया, ठीक है। तो आगे भैया एम्पलीफायर्स पर आते हैं। थोड़ा दोस्तों रश ज़्यादा है, तो सॉरी अगर आपको थोड़ा नॉइज़ आ रहा हो। तो सो ये पी एम्पलीफायर्स आ गए हमारे। तो भैया इनकी वोल्टेज क्या क्या है? इसमें 250 वॉट, मतलब ऐसे इसमें ट्रांसफार्मर मैचिंग भी होता है। अच्छा, जो ट्रांसफार्मर कपल जो स्पीकर रहते हैं वो भी इसमें लग जाते हैं। हाँ जी। और जो आप पब्लिक एड्रेस है, जो आपको टेंपल्स में चाहिए वो सब इंस्टॉलेशन में आपको ये सब। तो ऐसे ये हमारा 250 वॉट का होगा, है ना? ये वाला हमारा 300 वॉट का है, और ये 1200 वॉट, ये 1200 वॉट का है। अच्छा, ये पी एम्पलीफायर है। थोड़े भैया पावर एम्पलीफायर भी आपके पास है ना? तो यहाँ पे हमारे जो पावर एम्पलीफायर्स आ गए वो है। सो ये आप देख सकते हो इधर। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, मैंने आपको अभी एम्पलीफायर्स दिखाए, इनके यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं, आप पॉज करके देख सकते हो। ठीक है भैया। सो यहाँ पे आ गए हमारे ये, इधर आप ये देख सकते हो डुअल चैनल के पावर एम्पलीफायर्स है। वो है हमारा उद्देश्य। सो भैया ये हमारा 6000 वॉट का है, कैटलॉग ले रहे थे ये 5000 वॉट का है, और ये हमारा 3000 वॉट का है। डुअल चैनल में आपको ये मिल जाते हैं। इसके स्पेक्स यहाँ पे, ये आपके यहाँ पे डिटेल्स हो गए स्पेसिफिकेशंस। ठीक है। सो इधर आप देख सकते हो ये जो हमारे एम्पलीफायर आ गए, ये भी डुअल चैनल में है, उसकी लाइन एरेज के लिए यूज हो गए। और भैया अच्छा, उनमें ये क्लास कौन सी है? ये क्लास HK है सर। अच्छा, ये क्लास HK हो गए हमारे ये वाले। ये क्लास AB में, क्लास AB के अंदर आ गए। लाइनर के लिए भैया बोल रहे हैं, ये लाइनर के लिए हमारे बेस्ट है। इधर स्पेक्स आप देख सकते हो ये। सो ये हमारे चार मॉडल आते हैं भैया। ये कितने कितने वोल्टेज के होंगे ये? जैसे ऊपर तो मैंने दिखा दिया, फिर भी आप एक बता दीजिए। अभी इसमें आप यूज़ करोगे तो इसमें 4 ओम पे 400 वॉट का, 400 वॉट का, ठीक है। इसमें भी सिमिलर। ओके, और इसमें 800 वॉट आता है, और इसमें 1200 वॉट आता है। ओके, तो भी आगे चलते हैं। अबे ये कौन सी क्लास के एम्पलीफायर्स हमारे? ये क्लास TD में है। किसमें? ये क्लास TD, क्लास TD के एम्पलीफायर्स आ गए हमारे। सो ये आप देख सकते हो, ये हमारा भैया मॉडल नंबर इसका यही है? हाँ, यही है। अच्छा, ये मॉडल हो गया हमारे, दो मॉडल है न्यू लॉन्च। ओके, तो भैया इसकी जो हमारी है क्या, किसके लिए स्पेसिफिक हम यूज़ करते हैं? सब ऊपर के लिए यूज़ करते हैं हम, जो हाई पावर सब ऊपर हमने देखे तो उसके जी। तो यहाँ पे स्पेक्स मैंने आपको दिखा दी, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कौन सा आपको जो सब ऊपर है वो मैच करना है। सो दो मॉडल्स आते हैं इसमें। अगेन ये वाले आ गए, इनकी भी क्लास क्या है? सेम सेम TD। ठीक, ओके। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो हमारा, ये हमारा डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर है, ये डिजिटल प्रोसेसर है जो क्रॉस ओवर हमारा होता है। ओके, तो नेक्स्ट आ जाते हैं। ये दो मॉडल्स यहाँ पे आ गए हमारे। अभी इसकी क्लास क्या है? ये भी क्लास TD, इसमें ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई है। अच्छा, और उसमें SMPS पावर सप्लाई। हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो दो मॉडल हमारे ये आ गए। अब यहाँ पे ये आ गए हमारे थोड़े स्लिम मॉडल भी हैं, और 4 चैनल के अंदर है, क्वाड चैनल एम्पलीफायर से हमारे। स्पेसिफिकेशन से अभी आप देख सकते हो ये। ठीक है भैया। सेम भैया, ये कौन सी क्लास के हमारे? ये क्लास H में, क्लास H के एम्पलीफायर से। ठीक है, तो भैया यहाँ पे कुछ स्पीकर से हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। 2000 वाट के 4। सो दोस्तों यहाँ पे कुछ 15 इंच के हमारे स्पीकर से वो देख लेते हैं। तो हाँ जी भैया, इसके बारे में बताइए आप। यहाँ से आप देख सकते हैं। हाँ जी, 15 इंच 700 वॉट हो गया 15 इंच। ठीक है, और 3.5 इंच का वॉइस कॉल, 3.5 इंच का वॉइस कॉल हो गया। और ये अपना 18 इंच में, 18 इंच में आ गया। अच्छा, 1000 वॉट में फेराइट में आ गया। और ये हमारा 21 इंच में, ये भी फेराइट में। 21 इंच में 2000 वॉट है फेराइट मैग्नेट। अच्छा, वो हमने न्यू दिखाए थे, फेराइट में आ गया। ओके, ए बाबे यहाँ पे और देख लेते हैं कुछ स्पीकर हमारे बचे हुए हैं। तो ये आप देख सकते हो ड्राइवर है। हाँ जी, 12 इंच में भी है। 12 इंच में भी है, 10 इंच में भी। अच्छा, 10 इंच में है, 10 इंच हो गया 400 वॉट का। 3 इंच वॉइस कॉल, 3 इंच कॉइल के साथ। और ये 600, 10 इंच में 600 वॉट हो गया। ठीक है, और ये 12 इंच में आ गए हमारे। 12 इंच 200 वॉट में है। अच्छा, 200 वॉट हो गया, ये 600 वॉट। ओके, और ये हमारा भैया 15 इंच का है, 15 इंच है, ये 400 वॉट का। तो यहाँ पे आप एक बार ये डिटेल भी देख लीजिए।
तो गाइस ये कुछ हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने आज आपको दिखाए पिंटू इलेक्ट्रॉनिक्स पे, महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस है और इनकी मैंने आपके लिए वीडियो शूट करी तो काफ़ी अच्छा मेरे को इनका स्टॉल लगा और आपकी डिमांड भी थी शूट करने के लिए। सो ये सारे आपने प्रोडक्ट देख लिया, आपको वीडियो कैसे लगे आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हम अब आगे और भी ब्रांड्स को कवर करते हैं, आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। सो गाइस आज की वीडियो में मैंने आप सभी को जो पिंटू इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे प्रोडक्ट्स दिखा दिए, स्पीकर, एम्पलीफायर, जो इनके बेस थे, लाइनरें थे, अच्छा वगैरह। आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलेगा। मैं आप सभी के लिए ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। सो दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।